हार्ड वर्क करने वाली लड़की है, ये देखिए यही वो बिटिया है जो इतना हार्ड वर्क करती है। बच्चा नाम क्या है आपका? मनदीप कौर। नहीं, दोनों जन मिल करके यहाँ पर देखिए इस दुकान को चला रही है। लखनऊ से लेकर आए हैं, वो हमारे शाहरुख का बच्चे हैं, ये सब मिल के काम करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। आप जब भीड़ देख सकते हैं मेरे पीछे, अभी मैं बिछुचागंज पर खड़ी हूँ और मैं यहाँ से गुजर रही थी, मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी। मैंने कहा कि वीडियो बनाया जाए और आपको दिखाया जाए कितने लोग अभी भी चोरी चकारी कर रहे हैं, पेट भरने के लिए अपना गलत कार्य कर रहे हैं, जैसे हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी दूर से कितने चले आते हैं, सिर्फ आपको कुछ अच्छा दिखाने के लिए, कुछ जानकारी देने के लिए। हम भी एक लेडीज हैं और यहाँ मुझे एक बहुत ही प्यारी छोटी सी बिटिया मिली जो कि बहुत मेहनत से कार्य, मुझे काफ़ी दिन से मैं उनको देख रही थी, इसलिए क्यों ना इनका वीडियो बनाया जाए और आपको दिखाया जाए कि कितने मेहनत से कार्य कर रही है, अपने पूरे घर परिवार का भरण पोषण कर रही है। ये बहुत बड़ी बात हम सबके लिए, इंस्पायर कर रही है हम सभी को कि हमें ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, कभी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ मैं खड़ी हूँ, ये आपका मैदान देख सकते हैं, एकदम रश एरिया और सामने है डाकघर, देखा आपने, और यही रश एरिए में ही एक बहुत ही छोटी सी दुकान लगती है, ठेला लगता है खाने पीने की चीज़ों का, यानी कि पूरा डिनर आइटम बेचती हैं। और जो बेचने वाले ऑनर है ना, उनको देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इतनी छोटी सी उम्र में वो इतना बड़ा काम कर रही है कि जो बड़े बड़े को भी छक्के छुड़ा दें। तो यहाँ देखिए, यहाँ बैठने की व्यवस्था भी की गई है और ये कस्टमर्स वगैरह हैं। भैया खाना कैसा लगा आपको? खाना कैसा लगा आपको? खाना खाया आपने? क्या अच्छा लगा आपको? खाना टेस्टी था और अच्छा है, स्वादिष्ट है, खाना कोई शिकायत नहीं है, और जनता भी खुश है और पब्लिक भी खुश है खाने में, और कस्टमर भी बहुत आ रहा है, और इससे बढ़कर आप कुछ नहीं चाहिए, धन्यवाद। तो दे सकते हैं, इतनी जो हार्ड वर्क करने वाली लड़की है, ये देखिए यही वो बिटिया है जो इतना हार्ड वर्क करती है। देखिए यहाँ पर आलू के पराठे बनाए जा रहे हैं, ये देखिए, सोचिए साथ, देखिए यहाँ और भी बच्चे हैं, ये देखिए नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, वाओ। ये देखिए बच्चा नाम क्या है आपका? मनदीप कौर जी। आप क्या कर रहे हो? पराठा सेक रहे हैं, वाह भाई वाह। ये देखिए यहाँ पर देखिए बच्ची यहाँ पराठा सेक रही हैं, और यहाँ ये बाबू हैं, देखिए ये भी सर्व कर रहे हैं। जी बच्चा आपका नाम? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह क्या कर रहे हो आप? तो देख रहे हैं इस तरह से यहाँ कस्टमर्स को, देखिए ये बच्चा सर्व कर रहा है, यहाँ पर कस्टमर को देख रहा है, और ये जो बहनें हैं दोनों, ये देखिए ये एक बड़ी दीदी हैं और छोटी बहन है, दोनों जन मिल करके यहाँ पर देखिए इस दुकान को चला रही हैं। और देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, आलू का पराठा है, दाल है, चावल है, ये देखिए। और ये हमारे अंकल जी हैं, आई थोड़ी बातचीत इनसे भी करते हैं कि क्या इनके मन में आया कि यहाँ पर इस तरह की दुकान खोली जाए। अंकल जी प्रणाम, न हमको उलझन यही आया है कि हमने पांच बच्चे को किसी का गोद लिए, उसके माँ बाप नहीं हैं, इस कारण से छोटे भी बच्चे एक महीने का था उनको भी लेना पड़ा था, इस कारण से उतना उलझन आने के बाद से हमको धंधा करना पड़ा। हाँ अपने हैं, तीन मेरे पहले तीन का आगे के मेरे बच्चे हैं, पांच पहले का दूसरे के घर के हैं। हाँ लखनऊ से लेकर आए हैं, वो हमारे शाहरुख का बच्चे हैं, हाँ उसके माँ बाप नहीं है, हाँ उसको उलझन लेके खर्चा देके हमको उसके धंधा में उठना पड़ा, इसीलिए सब मिल के काम करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। पढ़ाई लिखाई इनकी नहीं हो पाती? सब होते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कराते हैं, सबका खालसा में पढ़ते हैं बच्चे सब। हाँ शाम में लगाते हैं 7 बजे के बाद, हाँ दिन भर पढ़ाने लगाते हैं, हाँ 7 बजे के बाद लगाते हैं। देखिए कोई भी काम है अपना हाथ से करोगे और अपने विश्वास से करोगे, आगे मकान जरूर मिलेगा, मेहनत करोगे इसकी फल जरूर मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा, समझे, हिम्मत रखेगा सब कुछ मिलेगा। हाँ बस तो देख सकते हैं यहाँ पर बच्ची है हमारी है रानी बिटिया जो कल देश का गौरव बनेंगी, यहाँ देखिए जो है पराठा मशहूर है हमारा। हाँ आप बोलिए।
हमारा पराठा जो है सरदार जी पराठा वाले की मशहूर है। हाँ, बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं लेने के लिए, पार्सल लेने के लिए। हैं है? पराठा ही ज़्यादा हमारा सेलिंग है। हाँ, पराठा ही किससे ज़्यादा सेलिंग है हमारा। हाँ, दाल चावल भी रखा हुआ है आपने? हाँ, दाल चावल भी रखे हैं। गरीब इतना सस्ते में बना के दे रहे हैं कि गरीब गरीब से आदमी खा सके। हाँ, मतलब खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। जीने दो, बस ये बात है। इधर स्टफिंग कुछ अलग लग रही है मुझे, ये आलू ही है ना? ये आलू है। हाँ जी, ये हाँ? और इधर में सादा भी बनता है, सादा परोठा। अच्छा, आलू का 15 रुपया है, सादा का 10 रुपया है। अच्छा, क्या बात है, यानी 15 रुपए के आपके आलू पराठे मिल जाने वाले हैं और 10 रुपए सादे पराठे मिलेंगे। मतलब बहुत सस्ता यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी बैठकर खा सकता है। और अंकल जी भाई इतने प्यारे हैं ना कि इतना बड़ा वो कार्य कर रहे हैं जो कि वाकई बहुत सराहनीय है। देखिए, क्योंकि ये बहुत ही मेन जगह पर ये दुकान है। देखिए, ये बहुत ही मेन जगह पर ये दुकान है। देखिए, बच्चे लगातार ये काम कर रही है, इसका हाथ नहीं रुक रहा है। देखिए, पढ़ाई भी करती हैं, साथ में दुकान भी लगाती हैं। देखिए बाबू, आपका नाम क्या पड़ेगा? नाम बताएंगे अपना, नाम क्या पड़ेगा आपका? जस्सी कौर। यहाँ पर इनके भैया हैं। देखिए, यहाँ भैया हैं इनके, तो पूरे यहाँ फैमिली ने इस दुकान को लगाया। थोड़ा शर्मा रही है बच्ची बोलने में, देख सकते हैं आप, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा डर लगता ही है। यहाँ पर देखिए, इस वहाँ पर, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर पराठा बेला जा रहा है और दूसरी साइड यहाँ पराठा सेका जा रहा है। ये देखिए, कितनी नन्ही सी उम्र है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं पूरी लगन के साथ। पराठे भी हम बोल रहे हैं, वाह भाई वाह, क्या बात है। यहाँ देखिए, भैया जी लोग खाना खा रहे हैं, दे सकते हैं, यहाँ पर खा पी भी रहे हैं। यहाँ पराठे, भैया पराठा कैसा लगा आपको? पराठा कैसा लगा आपको? ठीक लगा, ठीक लगा। यहाँ पे आते रहते हैं क्या? आते रहते हैं। देखिए, ये इनका तरीका है प्रेजेंटेशन करने का। यहाँ पराठा है, चटनी है, क्या छोला है? क्या छोला है? सब्जी है, सब्जी देती है क्या 10 रुपये में? वाह क्या बात है, 10 रुपए की आलू पराठे, यहाँ सब्जी भी है, चटनी भी है, मूली भी है। वाह भाई वाह, देखिए यहाँ ग्राहक संतुष्ट होकर के जाते हैं, चीज़ों को देखकर बस मुंह से वाह निकलती है कि अगर बेटियाँ हो तो ऐसी हो जो हमारा घर चलाने के लिए। देखिए कितनी मेहनत से अपना घर, कितनी मेहनत से काम कर रही है। इतनी मेन रोड पर ये खड़ी है, दिन रात चलने वाली ये रोड, कभी रुकती नहीं है ये। बिल्कुल आपका डाक घर में लगेंगे, ठीक सामने इनका सेटअप इन्होंने लगाया हुआ है। ये पूरी फैमिली लगी रहती है इस काम को लगातार करने में। भाई देखकर मेरा मन तो बहुत ही खुश हो गया। बच्चे कहीं से किसी मामले में कम नहीं है, पढ़ाई भी करती हैं, साथ में यहाँ पर काम भी करती हैं, हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो एक बार तो आप सभी को यहाँ पर लाइक करना बनता ही है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत सपोर्ट करिए ताकि लड़कियों को भी आगे निकलने का मौका मिले। जैसे हम इतनी मेहनत करके आपको ये वीडियो लेकर के आते, दिखाते हैं कि किस तरह से कहां कहां पे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, तो थोड़ा हमें भी सपोर्ट करिए ताकि हम भी ऐसे आगे बढ़ें। दिन भर का समय निकाल के आप सभी के लिए आते हैं और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते हैं। इसी के साथ, हर हर महादेव।